हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है और खुशी वाला दिन है। आज हमारे बाबू का, आपके जोशुआ का अर्पण है, अर्पण कार्यक्रम, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सबको ब्लॉग में बने रहना। मैं आप लोगों को आज के दिन में स्वागत करती हूँ। आप लोगों को हम लोग बहुत सारे इनवाइट दिए थे भाई, पता नहीं आप लोग आ रहे हो या नहीं, लेकिन ये आज का ब्लॉग है जब हमारे बाबू का, हमारे बेटों का अर्पण होने वाला है और हमारे मेहमान आना शुरू हो चुके हैं, मिठाई बन चुके हैं, खाना बन रहा है और सब एकदम ज्यादा बिजी है। मैं भी बहुत बिजी हूँ, लेकिन फिर भी सोची कि ब्लॉग आज बनाया जाए। तो आज मामी बहुत ज्यादा बिजी थी, इनको ब्लॉग आज हम बनाएंगे। तो हमारे पहले गेस्ट गाइस लोग, इनकी भाभी ब्लॉग आ चुकी है। और ये तो जैन अभी भी नहीं कर रहे है। कैसे बाबू बात नहीं कर रहे हो आप? ये अभी स्टार्टिंग है ना, इसलिए होशियारी मारता है, बाद में मिल जाएगा। दिन रात जोशुआ के पास जाना है। आ गए जोशुआ के पास। अब बात की बेटा जोशुआ से बात किए? कुछ नहीं बोल रहे वो। और इधर हमारे और गेस्ट लोग हैं जो कि एक दिन का स्वागत किया जा रहा है, पैर वैर धोया जा रहा है। और हमारे जेश्वर बाबू कोई इसको गोदी कर रहे हैं, कितना प्यार से। आप गोदी किए बाबू? आप बात किए बाबू से? हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे वो। क्या लहसुन पीसना है? मजा नहीं आ रहा है, लाइफ इतना बिजी हो चुका है कि इंसान को ब्लॉग बनाने का समय ही नहीं है। और किसी को आपसे बात करने कहते हैं, आम पर गाइस हम टेस्ट करके बता दें कैसा बना है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, कहाँ से ये ठंडा हो जाता एकदम चिल। चलो चलो बनाओ और इसको इसको मिक्स करेंगे। अरे मिक्स करेंगे उसमें, ये बोल रही हूँ। और इधर अभी खाना सब बनाने के लिए देखो बड़ा बड़ा बर्तन रखा जा रहा है चूल्हा में। तो गाइस इतना ज्यादा आज बिजी हैं कि देखो पूरा ये सब काम, चेयर वेयर लगाए। आज हमारे बाबू का, आपके जोशुआ का आज अर्पण है, अर्पण कार्यक्रम, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सबको ब्लॉग में बने रहना। फिलहाल तो अभी पूरा तैयारी व्यारी चल रहा है, अभी आ रहे हैं लोग, अभी फिलहाल बहुत ज्यादा धूप है, तो आप ब्लॉग में जरूर बने रहना। फिलहाल तो मैं तो मेरा हाल भी पूरा खराब हो गया यार गर्मी से, क्योंकि आज इतना गर्मी है, कम से 2-4 दिन हो गया है, बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब क्या ही बोले, इतना गर्मी है कि गर्मी को जो नवतप्पा जिसको लू कहते हैं। सो गाइस हमारे घर का व्यू कुछ ऐसा है और यहाँ पे हमारे भैया एंड बेटा, मामा भांजा सेम कलर का ड्रेस पहने इसलिए फोटो शूट कर रहे हैं। और दूसरा कलर का पहनते तो चल जाता है। ले यार जल्दी कर। हाँ ले मेरे सोनू, आज जुट्टू का दिन है। फोटो बनाते हैं। ये है महिमा, छोटे भैया की बड़ी बेटी, ये कल्पना है, ये अंबिका है। गाइस ये सारा हमारा गांव है। मेरा गांव दिख रहा है मेरे को आज, इतना बड़ा गांव है। हाँ देखो बाबू, आप देखे बेटो, हेलो। ये है सारा, ये है सारा और ये पूरा गांव, ये है सारा और ये परिवार, सारा परिवार। अब हम भांचा ला घर के करा देगा। हाँ तो होशियारी नहीं मार दे, ले ले तो भांचा आ जा, नहीं मारना, लेके बैठ दे, देख ना का कहते, ले जा ले जा, रुलाना नहीं। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बाहर कैसे चल रहा है अरेंजमेंट्स। क्या बात है। तो गाइस हम बाबू को लेके जा रहे हैं अर्पण के लिए, देखो कितना मस्त सो रहा है मोटा, आज तेरा अर्पण है बेटा।
तो आज कुछ ऐसा हुआ कि लाइट गोल था, पूरा व्यवस्था करने करने में बहुत टाइम निकल गया, बहुत ज़्यादा टाइम। और अभी 3:30 बजने को है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्पण को। अभी हम बाबू को लेके जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा धूप है इस वजह से थोड़ा सा लेट किए हम लोग। और देखते हैं, चलो अभी ब्लॉग में बने रहो फिलहाल। तो ये रहा मेरा जीजा, देख रहे हो ना, नेता बन गया है। और ये जो दिया है, ये मेरे रूसी अंकल जो रायगढ़ से है ना, वो दिए हैं। कैसे लग रहा हूँ गाइस बताओ, सफारी मेरे लिए स्पेशल सिला के दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा थैंक यू अंकल को। अच्छा लग रहा हूँ जीजा बताओ? बहुत अच्छा है सही में, आज पहली बार मैं सफारी पहना हूँ, उसके मतलब चलो कुछ तो नया होना चाहिए ना, बस एकदम सही, लाइफ में कुछ तो नया होना चाहिए, सही होना चाहिए। चलो ठीक है, फिलहाल चलते हैं। यदि आप किसी को पाप करके देखो और उसको नहीं चिताओगे तो परमेश्वर उसको तो छोड़ देगा, आपको नरक में डालेगा। परमेश्वर की महिमा हो इस सभा के लिए, मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देती हूँ। मैं सभी लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि कुछ भी बिना परमेश्वर की योजना के नहीं होता है, और आज का दिन परमेश्वर ने निश्चित किया था हमारे लिए। वैसे तो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है परमेश्वर को, क्योंकि जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। अलावा धन्यवाद, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी इसके द्वारा। परमेश्वर हमारे बीच में जोशुआ को दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी परमेश्वर तोहफा हमारे लिए दिया। हालेलुया, हमारा गवाही है
मेरा मैं चाहता था गणेश जी को बोलता था, गणेश जी हमारे घर में लड़की बहुत है तो लड़का चाहिए। गणेश जी हमेशा बोलती थी जो देगा परमेश्वर हम पे एक्सेप्ट है, लेकिन मेरा विश्वास था कि हमारे घर में एक बेटा जन्म होगा। वो विश्वास के कारण आज मेरा आंसू परमेश्वर के लिए निकलता है कि वो परमेश्वर कितना प्रेम करता है। मैं जो जो परमेश्वर से मांगा मेरा सबसे बड़ा गवाही है वो मेरे लिए परमेश्वर किया। सबसे पहले मेरे पास कुछ नहीं था, एक बाइक एक साइकिल नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं परमेश्वर से मांगते गया, परमेश्वर देते गया। वो दिन को याद करता हूँ, आज के दिन को याद करता हूँ तो मैं कितनों भी शुक्र गुजार दूं वो बहुत कम है। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे ज्यादा मैं उस दिन डरा था जिस दिन जोशुआ पैदा होने से पहले कन्नास बोलती है कि गणेश जी का पति कौन है, और मैं जाता हूँ जी मैम मैं हूँ, और बोलती है कि आपको एक साइन करना पड़ेगा। उस दिन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक क्या बोलना चाहिए लाइफ का परीक्षा की घड़ी था, और बोलते हैं कि साइन करना पड़ेगा।